पुढे स्टेशन बेलापूर सीबीडी। अदिति का जन्म 1994 2 जुलाई 1994 को हुआ था। बहुत जब हुई तो बहुत छोटी थी, वेट बराबर था, लेकिन बहुत ज़्यादा कमज़ोर, पैरों से कमज़ोर दिखती थी, पैर पलट जाते थे। हमको समझा नहीं, हम सोचे आज का बच्चा है, शायद तेज़ी से पलट रहा है। फिर जैसे ये बड़ी हुई, थोड़ा थोड़ा सा हमने इसमें रिएक्शन देखना समझ में आया हमें। जो बच्चे 5 या 6 महीने में बैठने लगते थे, ये उसने 10 महीने के बाद शुरू किया। कोशिश यही रही कि हम इसको एज नॉर्मल एज पालें, जितना हो सके हम इसे नॉर्मल। मेरे 2 बच्चे हैं, एक अदिति, ये बड़ी है, एक बेटा है, 2.5 साल छोटा है, मगर हमने इन दोनों में कोई भी हमने इनमें अंतर नहीं माना। हेलो, मेरा नाम अदिति वर्मा है, मैं खागर में रहती हूँ। बेरापुर में एक छोटा दुकान है अदिति कॉर्नर। कुकिंग का शौक इसको करती थी, लगता था हमें कि इसका तरफ कुकिंग तरफ है, क्योंकि हमें इसे अपने पैरों पे खड़ा करना था समाज के, कि कब तक हम डिपेंडेंट बना के रख सकते थे। हमने मन में डिसाइड किया, हमने और हमारे हस्बैंड ने, इसको हमें इंडिपेंडेंट बनाना है। और मुझे शौक है खाना बनाना, वो खाना बनाना यूट्यूब से देखती हूँ। यूट्यूब में हर अलग खाना आता है, वेज है, नॉन वेज है, वो सब बनाती हूँ। और सब जगह सपोर्ट है, मेरी फैमिली के सारे लोग, सब लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, और जो ऑफिस जो लोग ही क्लाइंट है वो भी सपोर्ट करते हैं। बस मन में विचार किया कि इसके लिए हम एक अलग से कुछ कैफ ऐसा शुरू करें जहाँ ये इंडिपेंडेंटली वर्क करें। बनाने के बाद जो स्टॉक है ख़त्म हो जाता है, मैं उसका लिस्ट बनाती हूँ, अलग अलग वैरायटी का लिस्ट बनाती हूँ, और दुकान में मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारी बीच में जो विघ्न आए, हाँ ऑफकोर्स कैश रिलेटेड भी आए, उसके अलावा भी लोगों को ये समझाना कि इस बच्ची को किस तरह से लेना है, इसलिए हमें सबसे ज़्यादा परेशानी का वो बुरा। बेबी देख रहे हो, इधर मैगी है करके, मैगी को क्रश करके इसमें डालेंगे, क्रश किया अंकल ने। आज भी हम जानते हैं बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, अरे ये क्या है, अरे ये लड़की को ऐसा है वो है, लेकिन हम इसीलिए सबको बताना चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बच्चे स्पेशल बच्चे हैं, और इनसे इनको अलग ना समझ के समाज का एक हिस्सा बनाएंगे तो हम जानते हैं कि ये बच्चे बहुत आगे जाएंगे। सर ये ऑर्डर, मैं सबको बताना चाहती हूँ जो आप लोग काम कर रहे हैं, बच्चे को जो बाहर निकाल रही है और वो जो काम करना चाहते हैं वो प्लीज़ करने दीजिए। वो सारे बच्चे को जो घर में प्लीज़ बाहर निकाल रही है, प्लीज़ जो बच्चे को धक्का मत दीजिए, काम करो वो काम करो, डोंट फोर्स हर। वो जो कर रहे हैं बच्चे वो काम करने दीजिए। वो जो बच्चे हैं हमारे आज की लाइफ से सीखना चाहिए। थैंक यू। मुझे होटल का 5 स्टार होटल बनाना है। 5 स्टार होटल कैसा बना? जी जी। कितना बड़ा? बहुत बड़ा बनाना चाहती हूँ। ये होटल है ना, उतना बहुत इतना और बड़ा।